नमस्कार दोस्तों, और मेरे को ये वीडियो बहुत ही जल्दी में बनानी पड़ रही है। मैं कहीं ड्राइव कर रहा था, अब मुझे गाड़ी रोककर ये बनानी पड़ी, क्योंकि मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मुझे अभी कुछ देर पहले एक कॉल आया इंटरनेट कॉलिंग नंबर से, क्योंकि जब मैंने कॉल बैक किया तो वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो बाहर से कॉल आया और वो बोलते हैं हम आपको लाइव लेके आना चाहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन सा चैनल है, क्या है, क्या चीज़ है। बोले हमारा एक यूट्यूब चैनल चलता है, और उन्होंने मुझे पूरी जानकारी नहीं दी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं फ्री नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपको नहीं लगता कि सुशांत की फैमिली इसमें इन्वॉल्व है। तो मुझे काफ़ी बुरा लगा, काफ़ी भद्दा लगा, जो मैंने सोचा मैं आपके सामने शेयर करूँ आपके साथ में। और मेरे ख्याल से ये कोई PR एजेंसी से ही कोई होंगे लोग जो इस तरीके से काम करते हैं, और ये कहीं भी दुनिया के किसी कोने में बैठे हुए होंगे और वहाँ से वीडियो रिलीज़ करते हैं, वीडियो बनाते हैं, और हो सकता है इनके लाखों करोड़ों में सब्सक्राइबर्स भी हों, और ये मेरा नाम यूज़ करके इस तरीके से करने की इन्होंने कोशिश की। तो मैं आप सब लोगों से माफ़ी मांगता हूँ अगर कोई भी मेरा नाम लेकर इस तरीके से यूज़ करके कोई भी कुछ बोल रहा है। मैं आज तक सुशांत के केस को होमिसाइड ही बोलता आया हूँ, बोलता रहूँगा, क्योंकि मुझे किसी भी एंगल से सुसाइड नहीं लगा। और रही फैमिली के इन्वॉल्वमेंट वगैरह, ये सब बातों पे मैं बिलीव नहीं करता, और ना ही मैं इस चीज़ के लिए बनाऊँ। ये सब काम है CBI का और वकीलों का देखना। तो बस आप लोगों से मैं इतना सा अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ आपको ऐसी दिखती है, कहीं मेरा नाम आता है, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं या जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, कहीं मेरा नाम आता है, तो वो मुझे ट्विटर पर या मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल एकदम जैसे आप हैं वैसे ही मैं हूँ। मुझे हमारी इंसाफ के लिए लड़ाई है, और वो हमेशा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।